तो इस साल की फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल के अंदर आईफोन 15 का हर कोई इंतजार कर रहा है, क्योंकि आईफोन 15 आपको मिलने वाला है 50 से लेके 55 हजार का। लेकिन याद रखना कि इस फोन के पीछे काफी मारामारी होने वाली है, हर कोई इस फोन को लेना चाह रहा होगा, तो हो सकता है ये काफी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। इसलिए अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा बजट है तो आईफोन 15 को छोड़ के उसके बड़े भाई आईफोन 15 प्लस को फोकस कर सकते हो। अब क्या होगी आईफोन 15 प्लस की प्राइसिंग, फ्लिपकार्ट के ऊपर आएगा, अमेजोन के ऊपर आएगा, और क्या डिफरेंसेस है आईफोन 15 से, ये डिटेल में बताऊंगा मैं आपको आज की वीडियो। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वीट्यूब नेटवर्क। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना। सो देखो, माना कि सबसे ज्यादा वर्थ इट डील जो है वो आईफोन 15 की रहने वाली है, क्योंकि अगर आपको आईफोन 15 50 से लेके 55 हजार के बीच में मिल जाता है कार्ड पर डिस्काउंट लगाने के बाद, तो इससे बेटर डील कोई भी नहीं है मार्केट में। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आईफोन 15 को हर कोई लेना चाह रहा होगा, तो ये काफी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, और अगर आउट ऑफ स्टॉक नहीं भी होता तो यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा होगा, जिससे ऑनलाइन पेमेंट और ऑर्डर प्लेस करने में दिक्कतें आ सकती है, और जब तक आप पेमेंट करने जाओ तब तक या तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा या फिर उसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास 8 से 10 हजार एक्स्ट्रा है तो आपको आईफोन 15 के बजाय आईफोन 15 प्लस को टारगेट करना चाहिए, और 8 से 10 हजार सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि आईफोन 15 प्लस की प्राइसिंग इस बार क्या जाने वाली है। जी हाँ, बिना किसी कार्ड डिस्काउंट के अराउंड आपको 65-66 हजार के आसपास आईफोन 15 प्लस देखने को मिल सकता है, और अगर आप इसके ऊपर कार्ड डिस्काउंट लगा देते हो तो आपको ये फोन 61 से लेकर 62 हजार के आसपास भी देखने को मिल सकता है। बट अब बात यह आती है कि कौन सा कार्ड होगा जिससे आपको इतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो, मैं आपको पहले बताया था कि आईफोन 15 के जैसा ही आईफोन 15 प्लस भी आने वाला है इस बार की फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल के अंदर, और अगर आपको परचेज करना है कोई भी फोन फ्लिपकार्ट से तो आपके पास एक कार्ड होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस कार्ड का नाम है फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड है तो ना सिर्फ आईफोन 15 15 प्लस बल्कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर जो सेल में आएंगे या फिर बिना सेल के भी, उनके ऊपर आपको 5% अनलिमिटेड डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप कोई भी आईफोन इस बार की फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल के अंदर परचेज करने की सोच रहे थे, देन आपके पास ये फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इस कार्ड का जुगाड़ आपको कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, अगर आपको चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट आईफोन के ऊपर। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, मैंने इसका डायरेक्ट अप्लाइंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे के रखा है, वहां से डायरेक्ट जाओ, लिंक पे क्लिक करो, फॉर्म को फिल आउट करो और घर बैठे आपको ये कार्ड मिल जाएगा। तो देखो, वैसे तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्काउंट आते हैं, लेकिन मान लो आपको ये कार्ड नहीं मिल पा रहा या फिर आपके पास ये कार्ड नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर SBI के कार्ड्स के ऊपर भी आपको काफी अच्छे डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। और एक अच्छी बात ये है कि SBI के क्रेडिट कार्ड के साथ साथ SBI के डेबिट कार्ड के ऊपर भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है, ऑल्दो यहाँ पे डेबिट कार्ड के ऊपर थोड़ा कम डिस्काउंट होता है और क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट होते हैं, और यूजुअली SBI के क्रेडिट कार्ड ज्यादातर लोगों के पास होता भी है। अगर नहीं है तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया, डायरेक्टली वहां से आप अप्लाई करके इस कार्ड को घर बैठे ले सकते हो। अब बात ये भी आती है कि आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस के अंदर ऐसे क्या डिफरेंसेस हैं जिससे यहाँ पर 8 से 10 हजार प्राइसिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो देखो, वैसे तो ये दोनों ही फोन्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, चाहे हम बात करें आईफोन 15 चाहे आईफोन 15 प्लस की, सारी चीजें आपको यहाँ पे सेम मिल जाती है, चाहे कैमरा हो, चिपसेट हो, बस दो ही डिफरेंस है दोनों आईफोन्स के अंदर। पहला जो है वो बैटरी लाइफ का है, मतलब आईफोन 15 प्लस के अंदर आपको ज्यादा बड़ी बैटरी मिल जाती है, जिससे ऑफकोर्स ये बात है कि आपको ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ साइज एंड डिस्प्ले में फर्क आ जाता है, जहां पर आईफोन 15 प्लस के अंदर आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है, तो वही आईफोन 15 के अंदर आपको स्टैंडर्ड 6.1 इंच की डिस्प्ले मिलती है। एंड काफी सारे लोगों के लिए चाहे डिस्प्ले साइज मैटर करे ना करे, लेकिन बैटरी बैकअप ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आईफोन 15 प्लस के अंदर आपको द बेस्ट बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। अब वैसे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये जो एक्स्ट्रा 8 से 10 हजार है पे करना वर्थ लगता है या फिर नहीं, बट मेन कंसर्न ये है कि जहां पर आईफोन 15 जो है वो स्टॉक आउट हो जाएगा, वही आईफोन 15 प्लस का स्टॉक वहां पर रहेगा और आपको काफी आसानी से मिल भी सकता है। बाकी जो मैंने आपको प्राइसिंग बोली है अप्रोक्स यही प्राइसिंग आने वाली है, बट मैक्सिमम डिस्काउंट आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास होंगे राइट क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ जरूर करके रखना। बाकी मैंने सारे आईफोन्स की प्राइसिंग से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई भी है, जहां पर आईफोन 13 से लेके आईफोन 15 प्रो मैक्स तक आपको सारी आईफोन्स की प्राइसिंग पता चल जाएगी कि कौन सा आईफोन किस प्राइसिंग में आ रहा है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, डेफिनेटली उस वीडियो को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी कोई भी अगर आपके डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।